Once again, welcome back to Canada, a complete knowledge hub. Today we are discussing current affair of 1st July. And the very first current affair is on a screen, guys. The MSME ministry has launched which portal for MSME registration? हाल ही में MSME ministry ने launch किया है MSME registration के लिए एक portal. तो इस portal का नाम क्या है? And the right answer is option A, Udyam. उद्यम नाम का एक पोर्टल लॉन्च किया है एमएसएमई मिनिस्ट्री ने, ताकि एमएसएमई के सारे रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन इस पोर्टल के माध्यम से, मतलब उद्यम पोर्टल के माध्यम से हो सके। गाइस, अगर आप अपने चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक ज्ञानडा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट ज्ञानडा को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। अगर इस वीडियो को आप किसी और प्लेटफॉर्म लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम या ट्विटर पे देख रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करें, वहां से आप डायरेक्टली मेरे चैनल को एक्सेस कर पाएंगे। चैनल पे आपको गुड्स एंड सर्विस टैक्स, मार्केटिंग, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट, इसके अलावा कुछ ट्रेंडिंग टॉपिक्स पे वीडियो मिल जाएंगी। साथ ही अगर आप चाहते हो कि मैं आपके लिए किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो बनाऊं, तो ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा उस टॉपिक का नाम। मैं पूरी कोशिश करूंगी जल्द से जल्द कस्टमाइज्ड वे में आपके लिए वीडियो बनाने के लिए। सो, इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर की तरफ। नेक्स्ट करंट अफेयर इज़ द गवर्नमेंट हैज़ डिक्लेयर्ड विच स्टेट एज अ डिस्टर्ब्ड एरिया फॉर अनदर 6 मंथ। गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया हुआ है कौन से स्टेट के एरिया को एज अ डिस्टर्ब्ड एरिया डिक्लेयर किया हुआ है अगले 6 महीने के लिए। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, नागालैंड। सेंट्रल गवर्नमेंट ने 30 जून को डिक्लेयर किया है इंटायर नागालैंड, पूरे नागालैंड को एज अ डिस्टर्ब्ड एरिया अगले 6 महीने के लिए, मतलब दिसंबर तक के लिए, दिसंबर के आखिर तक के लिए ये जो एरिया है पूरा डिस्टर्ब्ड एरिया में इसको कंक्लूड किया जाएगा। और यहाँ पे आर्म्ड फोर्सेस काफ़ी नेसेसरी हैं वहाँ के सिविल पावर को रोकने के लिए, तो वहाँ की कंडीशन इस वक्त बहुत ज़्यादा बुरी चल रही है, डेंजरस चल रही है। तो वहाँ के जो नागरिक हैं, मतलब सिविल पावर मतलब नागरिक शक्ति को रोकने के लिए वहाँ पे आर्म्ड फोर्सेस की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा। तो इस वजह से इस एरिया को डिस्टर्ब्ड एरिया कर दिया गया। ज़्यादातर क्या होता है कि जब किसी स्पेसिफिक स्टेट के जो नागरिक होते हैं वो प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं, वो रूल्स फॉलो नहीं करते हैं, वो बाहर आना स्टार्ट कर देते हैं, तो ऐसे सिचुएशन में उनको रोकने के लिए आर्म्ड फोर्सेस की तैनाती की जाती है, ताकि वहाँ पर सिविल पावर को कंट्रोल किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ इंडिया इज़ प्लानिंग टू एक्वायर the more lethal version of which bomb? इंडिया हाल ही में प्लानिंग कर रही है एक्वायर करने के लिए घातक वर्जन, लीथल माने होता है कि डेंजरस, घातक वर्जन, कौन से बॉम्ब का लीथल वर्जन, मतलब कौन से बॉम्ब का वो एक नेक्स्ट लेवल घातक वर्जन को वो एक्वायर करने का प्लान कर रही है, मतलब जो बॉम्ब है उनके पास में उससे ज़्यादा खतरनाक और शक्तिशाली वर्जन सेम बॉम्ब का वो प्लान कर रही है एक्वायर करने के लिए। तो कौन से बॉम्ब का वो लीथल वर्जन एक्वायर करना चाह रही है? राइट आंसर है स्पाइस 2000, फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट, स्पाइस 2000। इंडियन गवर्नमेंट प्लान कर रही है एक्वायर करने के लिए लीथल एंड कैपेबल वर्जन ऑफ स्पाइस 2000 बॉम्ब टू फर्दर स्ट्रेंथन इट्स मिलिट्री कैपेबिलिटी, ताकि वो अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटी को, मिलिट्रीज को और जो आर्म्स है, जो बॉम्बिंग है, जो है ये सबको स्ट्रेंथन कर सके, शक्तिशाली बना सके, ताकि वो ज़मीन पर अगर कोई है तो ज़्यादा एरिया कवर सके। अगर कोई बॉम्ब अगर फेंका जा रहा है इस एरिया में तो वो एरिया ज़्यादा कवर कर सके वो पर्टिकुलर बॉम्ब। तो स्पाइस 2000 एक तरीके का ऐसा बॉम्ब है जिसको जैश ए मोहम्मद, जो कि काफ़ी बहुत बड़ा आपने सुना होगा जैश ए मोहम्मद, ये टेररिस्ट ट्रेनिंग कैंप है ये, जो कि बालाकोट टाउन में है पाकिस्तान खैबर पख्तूनख्वा प्रोविंस में, तो इसको टारगेट कर रही है, मतलब डिस्ट्रॉय करना चाहती है, उसके लिए उनको स्ट्रेंथन करना पड़ेगा इस पर्टिकुलर बॉम्ब को। तो इसको थोड़ा सा आप एक बार देख लेना क्या लिखा हुआ है। The Spies 2000 bomb were used to destroy the large Jaish-e-Mohammed terrorist training camp in Balakot town in Pakistan's Khyber Pakhtunkhwa province. ये particular जो bomb है इसका इस्तेमाल किया गया था Jaish-e-Mohammed के training camp को, जो कि Balakot town में था पाकिस्तान के Khyber Pakhtunkhwa province में, इसको destroy करने के लिए इसी bomb का इस्तेमाल किया गया था। अब इसका जो next version है, जो घातक version है, उसको acquire करने की बात कर रहे हैं इंडिया। तो जो important है वो है 2000 स्पाइस 2000, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच न्यू पैंडेमिक पोटेंशियल वायरस कैंडिडेट हैज़ बीन डिटेक्टेड इन चाइना। चाइना में एक दूसरा वायरस कैंडिडेट जो है डिटेक्ट किया गया हुआ, उस वायरस का क्या नाम है? राइट आंसर इज ऑप्शन बी, G4 नाम का एक और बोला जा रहा है कि वहाँ पे वायरस एक अदर पैंडेमिक है, एक अदर महामारी है जो कि पिक की वजह से होता है। तो ये फ्लू वायरस G4 जो कि चाइना के रिसर्चर्स ने इसको फाइंड आउट किया हुआ है कि G4 नाम का एक दूसरा एकदम कोरोना के ही जैसा है, जो कि पर्सन टू पर्सन ट्रांसफ़र होता है, ये एक दूसरा एक
बहुत बड़े स्तर पे ग्लोबल आउटब्रेक हो सकता है ये, जो कि ट्रिगरिंग जस्ट लाइक अ कोरोना ये है, तो काफ़ी सीरियस कंसर्न है ये। रिसर्चर ने बोला, वो बताया हुआ कि पिग्स के थ्रू होता है, रिसेंटली इमर्ज हो रहा है, तो ये काफ़ी बुरी खबर है कि G4 नाम का एक वायरस जो कि चाइना में पैदा हो चुका है, पनप रहा है। रिसर्चर ने कंफर्म किया हुआ है इसके एग्जिस्टेंस को, जो कि एक दूसरा ग्लोबल आउटब्रेक हो सकता है कोरोना के बाद। इसमें जो इम्पॉर्टेंट है वो G4 इम्पॉर्टेंट है, और ये कहाँ पे हो रहा है ये इम्पॉर्टेंट है, मतलब चाइना में हो रहा है, और ये किसकी वजह से हो रहा है, पिक्स की वजह से हो रहा है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, इंडिया एक्सचेंज लिस्ट ऑफ सिविलियन प्रिजनर्स एंड फिशरमैन इन इट्स कस्टडी विथ विच नेशन। हाल ही में इंडिया ने एक्सचेंज किया हुआ है कि उनके पास में जितने भी सिविलियन प्रिजनर्स हैं और फिशरमैन जो उनकी कस्टडी में है, मतलब जिनको ऐसे लोग, ऐसे सिविलियन प्रिजनर्स, मतलब प्रिजनर्स मतलब जो जेल में रहते हैं, ऐसे नागरिक जो जेल में हैं और ऐसे फिशरमैन जो उनके कस्टडी में हैं, तो किस नेशन के साथ में, ये डिटेल्स को इंडिया ने शेयर किया हुआ है। राइट आंसर है पाकिस्तान। पाकिस्तान के साथ में इंडिया ने शेयर किया हुआ है कुछ डिटेल्स को, 1 जुलाई को इंडिया ने शेयर किया हुआ है कि उनकी उनके पास में, उनकी कस्टडी में कितने सिविलियन प्रिजनर्स हैं और कितने फिशरमैन हैं, और ये थ्रू डिप्लोमेटिक चैनल के थ्रू इस इंफॉर्मेशन को शेयर किया गया हुआ है न्यू दिल्ली और इस्लामाबाद में। सच लिस्ट आर एक्सचेंज एवरी ईयर। ये जो इस तरीके की लिस्ट होती हैं वो हर साल एक्सचेंज की जाती है January 1st एंड July 1st को, अंडर द प्रोविज़न, क्योंकि एक एग्रीमेंट हुआ था 2008 में, अग्रीमेंट बिटवीन द टू नेशन, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में ये अग्रीमेंट हुआ था कि वो हर साल January 1 एंड July 1 को शेयर करेंगे डिटेल्स को। तो इंडिया ने शेयर कर दिया हुआ है उनके पास में कितने सिविलियन प्रिजनर्स और फिशरमैन उनके कस्टडी में है पाकिस्तान के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, MSME मिनिस्ट्री हैज़ लॉन्च विच पोर्टल ऑफ MSME रजिस्ट्रेशन। MSME रजिस्ट्रेशन के लिए MSME मिनिस्ट्री ने कौन से पोर्टल को लॉन्च किया है? राइट आंसर है उद्यम। ये एक तरीके का नया प्रोसेस है जिसमें क्लासीफाई किया जाएगा और रजिस्ट्रेशन प्रोसेस किया जाएगा एंटरप्राइजेस के लिए, MSMEs के जो भी एंटरप्राइजेस हैं। 1 जुलाई को लॉन्च हुआ है और इसका नाम है उद्यम रजिस्ट्रेशन। ये मिनिस्ट्री ऑफ MSME मिनिस्ट्री ने इसको लॉन्च किया हुआ है, उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल, ताकि जितने भी एंटरप्रेन्योर्स हैं वो स्टेप बाय स्टेप उनको गाइड किया जा सके कि उन्हें क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। तो एक एंटरप्रेन्योर को रिस्क टेकिंग जो कैपेबिलिटी होती है, सारा कुछ इन्फॉर्मेशन इस पर्टिकुलर पोर्टल के माध्यम से दिया जाएगा, ताकि जो नए लोग हैं वो भी बिज़नेस को कर सके, और बिज़नेस को बढ़ावा देने के लिए, एंटरप्रेन्योर्स को बढ़ावा देने के लिए सरकार की तरफ से स्टेप लिया गया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मिनिस्ट्री हैज़ प्रिपेयर्ड अ ब्लू प्रिंट फॉर अ न्यू स्कीम टू इनेबल कैशलेस ट्रीटमेंट फॉर मोटर एक्सीडेंट विक्टिम। हाल ही में किस मिनिस्ट्री ने एक ब्लू प्रिंट खाका तैयार किया हुआ है, स्ट्रक्चर तैयार किया हुआ है, एक नई स्कीम का स्ट्रक्चर तैयार किया हुआ है, ताकि जो ऐसे व्यक्ति जिनका मोटर एक्सीडेंट हो जाता है, गाड़ी से एक्सीडेंट हो जाता है, ऐसे व्यक्ति जिनका मोटर एक्सीडेंट विक्टिम्स हैं, उनके लिए कैशलेस जो है ट्रीटमेंट दिया जाएगा। तो ये कैशलेस जो ट्रीटमेंट दिया जाएगा, ये स्पेशली मोटर एक्सीडेंट विक्टिम्स को ही दिया जाएगा। तो उसका ब्लूप्रिंट तैयार किया गया हुआ है, तो किस मिनिस्ट्री ने किया हुआ है? राइट आंसर है ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री। इसको आप ऐसे याद रख सकते हो क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन के दौरान, मतलब गाड़ी चलाते वक्त ही ज़्यादातर मोटर एक्सीडेंट होता है, तो ऑब्वियस है कि ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री ही इस तरीके का ब्लूप्रिंट तैयार करेगी कैशलेस ट्रीटमेंट के लिए। तो ये आप ऐसे रिलेट करके याद कर सकते हो। Then next is which nation's Federal Communications Commission has designated 2 Chinese companies as national security threat? किस राष्ट्र के Federal Communication Commission ने ये designate किया हुआ है Chinese की दो कंपनी, चाइना की दो कंपनी को उन्होंने बोला है कि हमारे राष्ट्र के लिए एक national security threat है, हमारे राष्ट्र की सुरक्षा के लिए ये बहुत बड़ा खतरा है, चाइना की दो कंपनी के लिए किस राष्ट्र के फेडरल कम्युनिकेशन कमीशन ने बोला है? US। राइट आंसर US। US ने बोला है कि चाइना की दो कंपनियां ऐसी हैं, पहले तो ये है Huawei टेक्नोलॉजीज एंड ZTE कॉरपोरेशन। इन दो कंपनी को US ने बोला है कि हमारे लिए नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से ये खतरा है। Then FCC Chairman Ajit Pai stated that both UAE and ZTE have close ties with Chinese Communist Party and China's military apparatus. FCC के चेयरमैन हैं अजीत पाई, इन्होंने बोला है कि जो UAE और ZTE ये दो कंपनियां हैं, ठीक है, आप इसको कोई इसको UAE बोलता है, कोई इसको Huawei बोलता है, कोई इसको UAE बोलता है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये नाम इंपॉर्टेंट है, नाम इंपॉर्टेंट है क्या प्रोनंसिएशन है चाइना में और यहाँ के एक्सेंट में थोड़ा डिफरेंस है, तो आप उसको देख सकते हो।
तो बट ये नाम इम्पॉर्टेंट रखना, UAE एंड ZTE, ये दो कंपनियां जो हैं ठीक है, US ने इनको बोला है कि हमारे देश के लिए काफ़ी बड़ा थ्रेट है, क्योंकि इनका जो टाई अप है ना वो चाइना के कम्युनिस्ट पार्टी से है और चाइना की जो मिलिट्री है दोनों के साथ में इनका टाई अप है, तो ये हमारे देश के लिए बहुत बड़ी खतरे की बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि विच टू बॉलीवुड एक्टर्स हैव बीन इन्वाइटेड टू जॉइन द एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स आर्ट एंड साइंस। हाल ही में दो बॉलीवुड एक्टर्स इनका वो कौन से दो बॉलीवुड एक्टर्स हैं जिनको इनवाइट किया गया हुआ है ज्वाइन करने के लिए एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स आर्ट एंड साइंस। इस एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर एंड साइंस को ज्वाइन करने के लिए इन दो लोगों को इनवाइट किया गया है। द राइट आंसर इज़ गाइज ऑप्शन डी, आलिया भट्ट एंड ऋतिक रोशन को हाल ही में जो है इनवाइट किया गया हुआ है एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंस के लिए। दो बॉलीवुड के एक्टर्स हैं, 819 लोगों में को इन्वाइट किया है और उनमें से ये दो एक्टर्स हैं जो कि ज्वाइन करने वाले हैं इस पर्टिकुलर इवेंट को ज्वाइन करने वाले हैं। अगर वो इफ दे एक्सेप्ट द इवेंट दे विल हैव वोटिंग राइट्स फॉर द ईयर ईयर्स ऑस्कर अवार्ड। अगर वो इस इनविटेशन को एक्सेप्ट करते हैं और जाते हैं तो ऑस्कर जो अवार्ड होने वाला है उसमें वोट करने का राइट जो है वो इनको प्राप्त हो जाएगा, मिल जाएगा। तो ये बड़ी बात है आलिया भट्ट और ऋतिक रोशन के लिए, काफ़ी बड़ा अचीवमेंट है एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर एंड आर्ट्स एंड साइंस की तरफ से इनको इन्वाइट किया गया हुआ है। गाइस ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है करंट अफेयर्स से, आपको मालूम होने चाहिए। वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं हम कल के नेक्स्ट करंट अफेयर्स के साथ में। थैंक यू।